आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सभी की फेवरेट एप्पल मिठाई। वो जो आप देखते हैं ना छोटी छोटी एप्पल यानी सेब वाली मिठाई मिलती है, बड़ी सुंदर लगती है पर महंगी होती है। आज हम बिल्कुल वही एप्पल मिठाई बनाएंगे, बिना मावा खोया, बिना काजू, बिना किसी कंडेंस मिल्क, एकदम आसान तरीके से मेजर दो ही चीजों से आप बिल्कुल बाजार जैसी एप्पल मिठाई बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट स्टाइल एप्पल मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले आप रखिए गैस पर एक पैन। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। मेजरमेंट के लिए एक कप सेट कर लीजिए और सभी चीजें उसी हिसाब से लीजिए। साथ ही हम डालेंगे उसी कप से आधा कप पानी। मीडियम फ्लेम पर चीनी को अच्छी तरीके से पानी के साथ घुलने देंगे और इसको हमें तब तक पकाना है हल्का से, इसमें छूने पर आपको चिकनाहट लगे यानी एक तार पूरा ना आ पाए, ऑलमोस्ट यानी थोड़ी कसर रहनी चाहिए एक तार आने में। और ये देखिए चाशनी हमारी हल्की सी गाढ़ेपन पर आ गई है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, आप थोड़ा सा उंगली के बीच में इस तरह से इसको ले, देखिए पूरा तार नहीं आ रहा है, हल्का हल्का तार आ रहा है और छूने पर ही आपको चिकनी सी फील होगी। बस यही इंडिकेशन है कि हमें बस यहीं तक इसको पकाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे। फ्लेम को कर देंगे अब बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप मिल्क पाउडर। तो ये हो गया हमारा 1 कप, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालेंगे यानी दूध का पाउडर, जो आपको बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोर, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम 1.5 कप मिल्क पाउडर को डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, इस तरह मिलाते जाएं। एक साथ बिल्कुल नहीं डालिएगा वरना लंप से बन जाएंगे। 1 कप मिल्क पाउडर मैंने डाल दिया है और अब मैं ये 1/2 कप मिल्क पाउडर और डाल रही हूँ और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें। और इस स्टेज पर ये आपको थोड़ा सा चिपका चिपका सा फील होगा, तो हम यहाँ डालेंगे 1 चम्मच घी, जिससे इसमें बढ़िया शाइन भी आ जाएगी, स्वाद भी आएगा और ये पैन से फिर चिपकेगा भी नहीं। अच्छे से करेंगे मिक्स और बिल्कुल इस तरह से आप लगातार चलाते रहें लो फ्लेम पर, बस थोड़ा सा और आप देख सकते हैं कि गाढ़ा भी हो गया है और किस तरीके से ये पैन को छोड़ रहा है। तो बस आपको 1 चम्मच घी की जरूरत पड़ती है और इसी स्टेज पर इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए और बढ़िया सा टिंटेड कलर आने के लिए, जो आप बाजार के एप्पल में देखते हैं, मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा केसरी, थोड़ा सा केसर के स्ट्रैंड, जिसको मैंने 1 चम्मच दूध में भिगो दिया था। तो थोड़ा सा ये केसर का दूध मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें केवड़ा एसेंस या रोज एसेंस कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये देखिए इसने पैन छोड़ना बिल्कुल शुरू कर दिया है यानी एक लंप जैसा बन जाएगा बीच में डो जैसा। तो गैस को करेंगे ऑफ और कुछ देर से ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बोल में। अब हम अपने मिक्स को हल्का सा ठंडा होने देंगे, बस इतना कि हम इसे छू पाए, ज्यादा ठंडा हो गया तो आपको शेप देना मुश्किल हो जाएगा। तो लीजिए मिक्स हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इससे बनाएंगे हमारी बहुत ही टेस्टी सुंदर सी एप्पल जैसे बाजार में होती है। तो उसके लिए लीजिए आप एक आंवले के साइज की बॉल तोड़िए, हथेली के बीच में रखकर आप गोल गोल इस तरह घुमाइए। अब आप एक फिंगर से इसके बीच में हल्का सा इस तरह प्रेस कीजिए, जैसे एप्पल की शेप होती है ना, बस हमें वही देनी है। अब इसमें हम लगा देंगे एक लॉन्ग, जैसे एप्पल के ऊपर होता है ना एक छोटी सी स्टेम जैसी, बस वैसे ही थोड़ा सा हाथ से साइड से इस तरह प्रेस करके इसको एप्पल की शेप दे दें। तो लीजिए लग रही है ना कितनी प्यारी हमारी एप्पल, इसी तरह हम सभी को बनाएंगे। एक बॉल जितना हिस्सा तोड़ेंगे, हथेली के बीच में रखकर गोल गोल घुमाइए। अब आप एक फिंगर से बीच में प्रेस कर दीजिए और इस पर हम लगा देंगे लॉन्ग, साइड से थोड़ा सा दबाते हुए इसको शेप अप कर देते हैं। ये देखिए लग रही है ना कितनी प्यारी, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी एप्पल। अभी जो हम इसको लास्ट में मैजिकल ट्विस्ट देने वाले हैं ना, उसके बाद तो कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने घर में बनाई है। यहाँ जो जरूरी पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो आप याद रखें, इसको बहुत ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है क्योंकि ये फिर ये जमने लगता है बर्फी जैसे। तो आप इसको बिल्कुल गर्म में ही कोशिश कीजिए बनाने की, जिससे इसकी शेप प्रॉपर आ पाए। अब फाइनल टचअप के लिए मैंने यहाँ लिया है रेड फूड कलर, जो लिक्विड वाला होता है वो लिया है। अगर आपके पास पाउडरी भी है तो थोड़ा सा पानी मिलाकर इस तरह पतला कर लें। एक लीजिए आप पेंट ब्रश, कोई भी जो बच्चों के होते हैं ना छोटे वाले ब्रश से कलर भरते हैं, बस वो थोड़ा सा लीजिए बस कलर। अब आप लीजिए अपनी एप्पल और इसके नीचे वाले पार्ट में हल्का सा इस तरह से हम रेड शेड दे देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहते हैं शेड तो करिए,
नहीं करना चाहते तो इसी तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए हल्का सा मैंने कलर से सिर्फ वो जो एक पॉइंट लिया था उसी से कलर से टचअप कर दिया है, जैसे मार्केट के हलवाई करते हैं, मिठाई वाले भी ऐसे ही बनाते हैं। तो अब कलर करना मैं फिर से बोल रही हूँ बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना आप इसको चांदी के वर्क, ड्राई फ्रूट्स या इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि ये एप्पल बिना मावा खोया, बिना काजू, बिना मूफ आपने झटपट घर में ही बना ली, और मैं इसमें लगा देती हूँ थोड़े से और चार चांद। मैं इसको सर्व कर रही हूँ यहाँ पर पिस्ता से, जो लगेगा हमारी एप्पल की प्यारी सी पत्ती यानी लीफ। लग रही है ना कितनी सुंदर एप्पल, लीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये इंस्टेंट मिठाई बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत कम सामान से बनने वाली इतनी सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई कैसी लगी। इस मिठाई को जब आप ऐसे सर्व करेंगे ना रक्षाबंधन पर तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर में बनाई है। इस केसर एप्पल मिठाई को बनाने में आपने देखा मुश्किल से आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी इसका मिक्स भी तैयार हो जाता है और शेप भी बहुत ही जल्दी आप इसकी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।